हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम चार समर स्पेशल रेसिपी बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले कच्ची केरी का शरबत बनाएंगे, उसके बाद हम मिक्सी में बर्फ का गोला बनाएंगे, और फिर हम अमूल दूध बनाएंगे, और लास्ट में मैंगो मस्तानी बनाएंगे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कच्ची केरी का सिरप बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो आम लिए हैं। आम को मैंने धो करके इसके छिलके निकाल दिए हैं। आप कोई भी आम ले सकते हो। अब हम दोनों आम के चीरे लगा देंगे इस तरह से। आप चाहो तो पूरे साबुत ही बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें चीरे लगाए हैं। अब हम दोनों आम को कुकर में ले लेंगे। अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे और इसे बंद करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसकी हमें चार सीटी लगानी है। चार सीटी लग करके कुकर ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो आम बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो आम अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इसमें से गुठली हम निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से हमने दोनों गुठली को निकाल दिया है और ये हमारा आम का पल्प तैयार है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और सारे पल्प को इसमें डाल देंगे। और इसे बंद करके अच्छे से पीस लेंगे। तो ये हमने आम को अच्छे से पीस लिया है और ये हमारा क्रीमी क्रीमी सा पेस्ट तैयार है। और यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है। पुदीने को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है, तो पुदीने को हम इसमें डाल करके इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अच्छे से पीस लिया है। इसे साइड में रखेंगे और अब हम चाशनी बना लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें दो कटोरी चीनी डालेंगे। ये 400 ग्राम चीनी है। इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे और इसे चलाएंगे। और इसे चलाते हुए मेल्ट करेंगे चीनी को। इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है हमें, सिर्फ चिपचिपी चाशनी ही बनानी है। चीनी अच्छे से घुल गई है, तो इसी स्टेज पर हम पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। ये ऑप्शनल है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और अब हम इसे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये चिपचिपी हो गई है चाशनी। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसा हुआ जीरा। सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम गैस को बंद करेंगे और गैस को बंद करके इसमें 3 नींबू के रस डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम सिरप को नीचे रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो आप देख सकते हो सिरप अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब हम इसे कांच की बोतल में भर देंगे। इस तरह से सिरप बना करके आप कांच की बोतल में भर करके फ्रिज में रख दो और पूरी गर्मियों तक आप आराम से पी सकते हो। अब हम इसे कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास ली है। इसमें हम 2 चम्मच सिरप डालेंगे और इसमें बर्फ डालेंगे और ठंडा ठंडा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा ठंडा ठंडा टेस्टी आम पन्ना बनकर के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।
आज हम बनाएंगे 3 फ्लेवर में अमूल दूध, जो बाजार के दूध से कहीं ज़्यादा टेस्टी है और टेस्टी के साथ हेल्दी भी है। तो इस तरह से आप एक बार दूध बनाएंगे तो बाजार से दूध लाना भी भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 3 ग्लास भर के दूध डालेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हो। अब हम दूध को एक बार चला लेंगे। दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा दूध लिया है। इसमें हम 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है। तो अब हम स्लरी को दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसी तरह से चलाते हुए हम 2-3 मिनट पकाएंगे दूध को। उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी को भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे और यहाँ पर मैंने 6-7 काजू लिए हैं। इसे हम मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू को पीस लिया है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके पीसा था। काजू के पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। तो आप देख सकते हो दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और दूध को नीचे रखेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे दूसरे बर्तन में लेकर के इसे फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध ठंडा हो गया है और फ्रिज में से मैंने दूध को निकाल दिया है। इसे हम 3 ग्लास में सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इलायची फ्लेवर वाला दूध बनाएंगे। तो इसमें हम इलायची पाउडर और ग्रीन फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। नेक्स्ट हम रोज फ्लेवर का दूध बनाएंगे। तो इसमें हम पिंक फूड कलर और रोज एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीसरा हम बादाम केसर दूध बनाएंगे। तो इसके लिए हम बादाम डालेंगे, केसर एसेंस डालेंगे और येल्लो फूड कलर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। आप केसर एसेंस की जगह पर केसर भी डाल सकते हो। अब हम इन्हें पिस्ता, गुलाब की पंखुड़ियाँ और बादाम से गार्निश करेंगे। तो ये हमारा 3 फ्लेवर में अमूल का दूध बनकर के तैयार है। दूध बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला। गर्मियों में बर्फ़ का गोला खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे और 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे और गैस को मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। अब हम इसमें 1 नींबू की स्लाइस डालेंगे। इसे डालने से हमारी चाशनी जमेगी नहीं। थोड़ी देर में चीनी मेल्ट हो गई है, इसे चेक कर लेते हैं। तो इसका हमें कोई तार नहीं बनाना है, चिपचिपी ही चाशनी रखनी है। अब हम गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई को नीचे रखेंगे, चाशनी को ठंडी होने देंगे। तो ये हमारी चाशनी ठंडी हो गई है। तो इसमें से नींबू की स्लाइस निकाल देंगे और इसे हम 3 कटोरी में डिवाइड करेंगे। अब हम 3 कटोरियों में अलग अलग कलर और फ्लेवर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं येल्लो कलर और पाइनएप्पल एसेंस डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूसरे में हम रेड कलर और रोज एसेंस डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब हम 3री कटोरी में सिर्फ ग्रीन कलर ही डालेंगे और इसे मिला लेंगे। तो ये हमारे 3 कलर की सिरप बनकर के तैयार है। मैंने यहाँ पर 3 कलर के सिरप बनाए हैं। आप अपने हिसाब से 1 या 2 कलर के सिरप भी बना सकते हो। अब हम बर्फ़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे और बर्फ़ को क्रश कर देंगे और मिक्सी को हमें रुक रुक करके चलानी है। तो यहाँ पर मैंने क्रश कर लिया है। अब हम एक कांच की ग्लास लेंगे और क्रश किया हुआ बर्फ़ हम इसमें डाल देंगे।
बर्फ़ को हम अच्छे से दबा देंगे। अब हम एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और इसमें डाल देंगे और बाकी का बचा हुआ बर्फ़ भी हम ग्लास में अच्छे से डाल करके दबा देंगे। अब हम स्टिक को पकड़ करके बर्फ़ को ग्लास में से निकाल देंगे तो आप देख सकते हो हमारा बर्फ़ का गोला बन करके तैयार है। अब हम इसमें तीनों सिरप डालेंगे। तो ये हमारा बर्फ़ का गोला बन करके तैयार है। गोला बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मैंगो मस्तानी। ये मैंगो मस्तानी बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मैंगो लिया है, इसे मैंने धो करके साफ कर लिया है। अब हम इसे छील लेंगे। तो ये हमने छील लिया है, अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैंगो को कट कर लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और कट किया हुआ मैंगो इसमें डाल देंगे। थोड़े से काजू और बादाम डालेंगे, 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 ग्लास भर के ठंडा दूध डालेंगे। मिक्सी के जार को बंद करके इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये जूस तो बन गया है, अब इसे मस्तानी बनाने के लिए एक और मैंगो लेंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। कट करने के बाद हम एक स्पून लेंगे और स्पून से हम सारे मैंगो को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम एक ग्लास लेंगे और ग्लास में हम 2 टुकड़े बर्फ के डालेंगे और मैंगो का जूस डालेंगे। अब हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे, इसके ऊपर बारीक कटा हुआ मैंगो डालेंगे और काजू बादाम से गार्निश करेंगे। तो ये हमारा मैंगो मस्तानी बनकर के तैयार है। ये मैंगो मस्तानी बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।